वी हैव डन एज ऑफ नाउ पैसेंजर बस हो चुका है हम लोगों का, लॉरी हो चुका है. पैसेंजर बस में किलोमीटर ट्रेवल्ड इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ द वेज, पैसेंजर किलोमीटर इज ऑल्सो कैलकुलेटेड फॉर बोथ द वेज. इन केस ऑफ लॉरी किलोमीटर ट्रेवल्ड इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ द वेज बट टन किलोमीटर इज कैलकुलेटेड फॉर वन वे. आइए अभी हम लोग लॉरी का ही एक दो सम और करेंगे. पेज फाइव में क्वेश्चन नंबर टू, इज दैट फाइन? क्या बोला ध्यान से देखो. अ मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू माइंस ए एंड बी एंड अनलोडेड एट प्लॉट्स इन अ रेलवे स्टेशन. मतलब माइन ए से मिनरल और रेलवे यार्ड लेके आ रहे हैं, वैसे ही माइन बी से भी रेलवे यार्ड आ रहा है. क्या आ रहा है? मिनरल ओर्स आ रहा है, राइट. माइन ए का डिस्टेंस बोला है 10 किलोमीटर अपार्ट है और माइन बी बोलता है 15 किलोमीटर अपार्ट. फ्लीट ऑफ लॉरीज, मतलब देर आर सो मेनी लॉरीज बट आई डोंट नो द नंबर्स. कैपेसिटी इज 5 टन, राइट. तो हम लोग माइन ए से जो मिनरल ओर्स है वो यहां लेके जा रहे हैं और ट्रक वापस आ रहा है, फिर लेके जा रहा है, वापस आ रहा है, लेके जा रहा है. मतलब जा रहा माल लेके आ रहा खाली है. यस और नो? स्पीड दिया हुआ है, स्पीड 30 किलोमीटर एन आवर. स्पीड इज 30 किलोमीटर एन आवर. लॉरी का स्पीड बोल दिया है, राइट. यहां पर अनलोडिंग टाइम दिया हुआ है 10 मिनट और माइन ए में लोडिंग टाइम दिया हुआ है 30 मिनट. मतलब अनलोडिंग टाइम दोनों का सेम है, ए से माल आए चाहे बी से माल आए. लोडिंग टाइम ए का है 30 मिनट्स और बी के केस में है 20 मिनट्स. अभी अपने को खर्चा ना मंथली नहीं दिया हुआ, आवरली दिया हुआ है और वो पेट्रोल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये सब पर किलोमीटर दिया हुआ है. ध्यान देंगे, यूजुअली जब हम किलोमीटर ट्रैवल निकालते हैं, व्हेन आई कैलकुलेट किलोमीटर ट्रैवल्ड, हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस वन वे इनटू जाना आना इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज, राइट. हम लोग ये करते हैं ना, तो ऐसा करने से हम लोग को पूरा महीने का आ जाता है. सो वी गेट किलोमीटर ट्रेवल्ड, हमारा किलोमीटर ट्रेवल्ड आ जाता है और टाइम क्या रहता है? 1 मंथ. तो हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाते हैं इतना किलोमीटर ट्रैवल्ड का और 1 मंथ का. यस और नो? क्योंकि यहां पे जब आप नंबर ऑफ ट्रिप्स और नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट किलोमीटर ट्रैवल्ड फॉर द मंथ. तो टाइम 1 मंथ होता है. तो अपने जब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सारा फिक्स कॉस्ट 1 मंथ का लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग इतना किलोमीटर का लेते हैं. यस और नो?
इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रिप्स का डिटेल नहीं है, नंबर ऑफ डेज का भी डिटेल नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस वन वे इंटू टू वे करेंगे हम लोग, हाँ, तो ये एक ट्रिप का हुआ ना, तो एक ट्रिप को कंप्लीट करने में पूरा महीना लग जाएगा क्या? थोड़ा सा फ्यू आवर्स लगेगा, तो यहाँ पे टाइम टेकन भी अलग से निकालना पड़ेगा। अभी तक हम लोग जो भी सम करता था उसमें टाइम टेकन क्यों नहीं निकालता था? बिकॉज टाइम टेकन वॉज वन मंथ स्ट्रेट अवे, राइट? बट यहां पे आपको इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन ट्रिप, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वन ट्रिप, तो इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, तो आपको वो आवर कैलकुलेट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। अभी तक हम लोग जितना भी सम करता था उसमें बहुत सिंपल था, डिस्टेंस वन वे इंटू टू वे, एक ट्रिप का आया, दिन में इतना ट्रिप, महीने में इतनी बार, तो हमारा टोटल किलोमीटर फॉर द मंथ आता था। तो व्हेन आई यूज टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग कॉस्ट, हम क्या करते थे, वेरिएबल कॉस्ट हम इतना किलोमीटर का लेते थे और जो भी फिक्स कॉस्ट होता था वो वन मंथ का लेते थे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं है, नंबर ऑफ डेज भी नहीं है हमारे पास, तो ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है ये वन ट्रिप का हो रहा है ना, कितने का? तो वन ट्रिप करने में क्या पूरा महीना लग जाएगा? वन ट्रिप कंप्लीट करने में इट विल टेक फ्यू आवर्स, तो वो आवर्स का भी कैलकुलेशन अपने को इस सम में करना पड़ेगा। अभी तक क्यों नहीं करते थे? क्योंकि स्ट्रेट अवे वन मंथ होता था, लेकिन अब करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नाउ वन ट्रिप, राइट? तो अपने को आवर्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। किलोमीटर निकाला क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, टाइम निकालेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट आ जाए, राइट? आइए लेट अस स्टार्ट। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप लोग एक बार रफ में ये चीज बना लीजिएगा, डाटा कैप्चरिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? डेटा कैप्चरिंग। तो देखिए डेटा कैप्चरिंग हो गया हमारा, डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर, स्पीड आपका 30 किलोमीटर, लोडिंग टाइम इतना, अनलोडिंग टाइम इतना और कैपेसिटी, यही डिटेल है ना हमारे पास, राइट? तो सबसे पहले अपने निकालते हैं किलोमीटर ट्रैवल्ड, कैसे करेंगे? 10 किलोमीटर वन वे इंटू टू वे, दैट कम्स टू 20 किलोमीटर पर ट्रिप, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रिप्स और नंबर ऑफ डेज है नहीं, यस और नो? नोट टू, टाइम टेकन यूजुअली वन मंथ होता है, तो यहां पे अपने को निकालना पड़ रहा है क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ नाउ वन ट्रिप, तो एक ट्रिप को कंप्लीट करने में क्या टाइम लग रहा है? सर ध्यान से देखिएगा, लोडिंग टाइम प्लस ऑनवर्ड जर्नी प्लस अनलोडिंग टाइम प्लस रिटर्न जर्नी, लोडिंग टाइम प्लस ऑनवर्ड जर्नी प्लस अनलोडिंग टाइम प्लस रिटर्न जर्नी, ये सबको ऐड कर देंगे तो अपने को एक ट्रिप कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है वो पता चल जाएगा। हम लोग अभी तक जो भी कैलकुलेशन करते थे वो फॉर द मंथ करते थे, तो इसलिए टाइम निकालने का दरकार नहीं पड़ता था, जो भी फिक्स कॉस्ट होता था उसको पूरे महीने में ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स नंबर ऑफ डेज नहीं दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट भी पर मंथ वाइज नहीं दिया, पर आवर वाइज दिया है, सो आई हैव टू कैलकुलेट हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ट्रिप, ठीक है? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अभी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, स्पीड है 30 किलोमीटर एन आवर, इक्वल्स टू 10 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर इंटू 60 मिनट। यस और नो? डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, बचपन में सीखा है, तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, स्पीड है 30 किलोमीटर एन आवर, तो 10 किलोमीटर बाय स्पीड 30 किलोमीटर एन आवर है, कितना है?
30 किलोमीटर एन आवर, सो 30 बाई 60, तो 60 न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो दैट कम्स टू हाउ मच, 20 मिनट्स, राइट। सो बताइए लोडिंग टाइम हो गया 30 मिनट, जाने का 20, खाली करने का 10, वापस आने का 20, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो ये आ रहा है 80 मिनट, मतलब 1.33 आवर्स। बोल गली में बात नहीं करेगा, रास्ते ठीक है। हाँ तो अभी हम लोग को जो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे वो अपने क्या करेंगे, 20 किलोमीटर एंड 1.33 आवर का निकलेगा। अभी तक जितना भी सम करता था वो क्या होता था, किलोमीटर फॉर द मंथ, फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ, लेकिन अब क्या होगा, किलोमीटर इज 20 एंड टाइम इज नॉट मंथ, टाइम इज जस्ट 1.33 आवर। जब इसको नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करने से ये वन मंथ आ जाएगा, बट अपने को उतना नंबर ऑफ ट्रिप्स का डिटेल है नहीं, राइट। सो लाइक दिस वी हैव टू डू इट, इज दैट फाइन, हो गया क्या? हाँ तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, किलोमीटर और टाइम भी निकालना है। अगर पूरा महीने का है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन महीने में भी पार्ट है तब आपको आवर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इज दैट फाइन। हाँ मिटा दें इसको, वापस नहीं आएगा, ओके। नोट थ्री, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर हाउ मेनी, फॉर द मंथ और वन ट्रिप, वन ट्रिप, राइट। सबसे पहले है हमारा फिक्स कॉस्ट, 9 रुपीज एन आवर, सो 1.33 आवर का कितना आएगा, 12। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट, 1 रुपया 20 पैसा पर किलोमीटर, और है टोटल में 20 किलोमीटर, दैट कम्स टू 24, तो 36 आ गया। ये मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, क्या आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, इज इट फाइन। नोट फोर, टन किलोमीटर, टन किलोमीटर बोथ वे निकलेगा कि वन वे, तो वन वे का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, या तो 20 डिवाइड बाय 2 कर दो या डायरेक्टली 10 ले लो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई करने वाले का झमेला नहीं है, सीधा या तो 20 लो या 20 बाय 2, राइट। या तो स्ट्रेट अवे 10 ले लो या 20 बाय 2 करके कर लो, बात एक ही है, वन वे का लेना है। इन शॉर्ट किलोमीटर ट्रेवल्ड वन वे, एंड हाउ मच लोड आई एम कैरिंग, 5 टन, सो इट कमिंग टू 50 टन किलोमीटर, राइट। इट इज कमिंग टू हाउ मच नाउ, कॉस्ट पर टन किलोमीटर, दैट इज 36 बाई 50, दैट इज 0.72 पर
टन किलोमीटर, इसका मतलब क्या है बताओ तो? कॉस्ट ऑफ कैरिंग हाउ मच टन? हाँ, ये जो 72 पैसा जो कॉस्ट है, कितना कैरी, कितना टन कैरी कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 टन फॉर हाउ मच किलोमीटर? 1 किलोमीटर. अकॉर्डिंगली यू विल मल्टीप्लाई दिस विथ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल मल्टीप्लाई दिस विथ नंबर ऑफ टन्स कैरिड इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर ट्रैवल्ड, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा. आप लोग ट्राई करिए माइंड बी वाला. आई विल गिव यू 4 मिनट्स का टाइम, फास्ट.
ट्राई किया आप लोग? माइन बी से रेलवे यार्ड 15 किलोमीटर का दूरी पे है। राइट, तो किलोमीटर ट्रैवल आएगा 15 × 2 दैट इज 30। टाइम टेकन फॉर वन ट्रिप, लोडिंग टाइम है 20 मिनट प्लस 15 किलोमीटर और स्पीड तो वही है। तो इसका मतलब स्पीड 30 किलोमीटर अगर एक घंटा का है स्पीड, तो 15 किलोमीटर में लगेगा आधा घंटा। सिंपल है ना, खाली करने का 10 मिनट, वापस आने का आधा घंटा, 90 मिनट मतलब 1.5 आवर। ₹9 घंटा है तो 13.5 हुआ ये। ₹1.20 × 30 किलोमीटर 36 49.50। नोट 4, 10 किलोमीटर निकालते वक्त 2A नहीं लेंगे, 15 किलोमीटर × 5 टन दैट इज 75 टन किलोमीटर। कॉस्ट पर टन किलोमीटर 49.50 × 75 0.66। पर टन किलोमीटर मायने से रेलवे यार्ड माल पहुंचाने का है क्या 72 पैसे और यहां पे 0.66 पैसा। ठीक है, तो माइन ए से रेलवे यार्ड भेजने का खर्चा क्या लग रहा है, 72 पैसा पर टन किलोमीटर और यहाँ पे 0.66 पर टन किलोमीटर। ठीक है, कितना लोगों का हो गया था ये? ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर प्रॉब्लम है नंबर 10, पढ़िए आप लोग। ऐसा ही एक सिमिलर समय नंबर 10, रीड इट।
यहाँ पे किलोमीटर की जगह माइल से एक ही बात है, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर और इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ माइल। तो यहाँ पे टोटल माइल और टन माइल आएगा, टन किलोमीटर नहीं, राइट। यहां से दो पेट्रोलियम हाउस से मेरा फैक्ट्री साइट में हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, कंपनी अपना लॉरी यूज करता है, तो कंपनी अपना माल लॉरी भेजेगा खाली, माल आएगा भर के, बात वही हो गया, जाए खाली आए भर के या जाए भर के आए खाली, बात एक ही है। फिलिंग टाइम लगता है 40 मिनट इंडियन ऑयल से, और भारत पेट्रोलियम के यहाँ पे 30 मिनट, खाली करने का टाइम कहीं से भी आए 40 मिनट लगेगा। लॉरी का स्पीड दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन 10 हम एक ठो करेंगे, बाकी एक ठो होमवर्क रहेगा। आप लोग बताइए, इंडियन ऑयल से फैक्ट्री साइट, आप बताइए इंडियन ऑयल से फैक्ट्री साइट का डिस्टेंस क्या है? 12 माइल्स, वेरी गुड। 12 माइल्स पता चलते ही हम टोटल किलोमीटर निकाल पाएंगे, टोटल माइल्स ट्रेवल्ड। 12 माइल इज वन वे इंटू टू, कितना हुआ? 24 माइल्स। ठीक है, हाँ अच्छा, 5 टन का कैपेसिटी है लॉरी का, स्पीड 24 माइल्स एन आवर। लोडिंग टाइम यहां से लोडिंग करने में 40 मिनट लगेगा, और एमटी का तो दोनों में सेम है। तो ये सब पता चलने के बाद अब हम टाइम टिकट निकाल सकते हैं, भरने का 40 मिनट, जाने का कितना मिनट लगेगा? स्पीड है 24 माइल प्रति घंटा, और अपने को 12 माइल ही जाना है, तो 30 30 आधा घंटा में हो जाएगा ना डिस्टेंस पूरा। तो जाने का 30 मिनट, फिर खाली करने का 40, और आने का 30, कितना हुआ? 140 मिनट। इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 2.33 आवर आएगा। हाँ कर तो दिए ना, अलग अलग दिखा रहे जाने का और आने का। ऑनवर्ड जर्नी, रिटर्न जर्नी, दोनों का हम अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इंटू टू क्यों करेंगे जब अलग अलग दिखा रहे हैं? तो इज दैट फाइन? हाँ, तो एक ट्रिप में टोटल किलोमीटर, टोटल माइल हो गया 24, टोटल टाइम हो गया 2.33। अब इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे, हो गया ना सबका? वो देख लो, तो पहला वाला स्विच बंद कर दे तेरे माथा के ऊपर में जो है। हाँ हटा दे तो। हाँ
फिक्स कॉस्ट 7.5 रुपया घंटा के हिसाब से 2.33 आवर्स का कितना आएगा? 17.50 अप्रॉक्स। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है? 60 पैसा। और टोटल माइल्स है 24, 14.4। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम्स टू 31 रुपी 9 पैसे, 31.90 पैसा, सॉरी। टन माइल कितना वे का निकलेगा? हैशटैग वन वे, सो वन वे का हो गया 12 माइल इंटू 5 टन, 60 टन माइल्स। कितना आ रहा है? और एक दो डेसिमल प्लेस बोलो। This is cost of carrying 1 ton for 1 mile. बात मत करो। ठीक है, तो ये हमारा लॉरी कंप्लीट होता है। अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में और भी है। अभी तक हम लोग पैसेंजर बस का किया, टूरिस्ट कार का किया और लॉरी का किया। अब हम लोग करेंगे स्कूल बस का। क्वेश्चन नंबर 12 वाज टूरिस्ट कार। जिसमें नंबर ऑफ ट्रिप से डिवाइड करते हैं। नहीं हुआ है 12? अच्छा ठीक है, उसको भी कर लेंगे। पहले हम लोग स्कूल बस करेंगे। आइए, इसका सेकेंड पार्ट होमवर्क है। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 0.58 समथिंग। ठीक है, इसका जो सेकेंड भारत पेट्रोलियम वाला का कॉस्ट ऑफ कैरिंग आएगा 0.58। स्कूल बस, सबसे पहला बात मैं बोलना चाहूंगा, यहां पे एनुअल कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है। सबसे पहला दिमाग में डाल लो, मंथली नहीं बनेगा। यहां पे जो भी बनेगा वो एनुअल बनेगा। यहां पे ऑल कैलकुलेशंस आर टू बी डन एनुअली, और कोई कैलकुलेशन प्रोसीड्योर नहीं है यहां पे।
दूसरा, जब अपने किलोमीटर ट्रैवल निकालेंगे, किलोमीटर ट्रैवल विल बी कैलकुलेटेड फॉर 10 मंथ्स और 9 मंथ्स, क्यों? क्योंकि वैकेशन में बस थोड़ी चलेगा, तुम्हारे यहाँ रोज हाजिरी देके थोड़ी जाएगा। स्कूल बस मतलब बस आर गराज इन द स्कूल ओनली, राइट? किलोमीटर ट्रैवल्ड कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ्स स्कूल इज ओपन फिफ्टी फिक्स कॉस्ट फॉर ऑल द 12 मंथ्स। फिक्स कॉस्ट जो होता है पूरा 12 महीने का आएगा। ड्राइवर का ऐसा थोड़ी है भैया, समर वैकेशन में तुम गांव चल जाओ पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। वो गांव भी जाएगा और पैसा भी लेगा तुमसे। यू कैन नॉट कीप एन एम्प्लॉय फॉर 5 मंथ्स एंड देन थ्रो हिम अवे एंड देन अगेन 1 मंथ यू आफ्टर 1 मंथ यू विल कीप हिम, ऐसा नहीं होता है, राइट? बस फी इज पेएबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर डैश मंथ्स। बताओ, हम लोग से जो बस फी लेता था वो भी 12 महीने का लेता था। ट्यूशन, आजकल तो ट्यूशन फीस में बस फी जोड़ लेता है वो लोग। इसका मतलब मेरा पेट्रोल खर्चा लग रहा 10 महीने का, पेट्रोल खर्चा। फिक्स कॉस्ट लग रहा है 12 महीने का, तो मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 महीना ही बच्चा लोग हम लोग को फीस देगा। रेवेन्यू अपने को पूरा 12 महीना आएगा। हम मानते हैं पेट्रोल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 9 मंथ्स 10 मंथ्स, फिक्स कॉस्ट तो 12 का 12 महीने का ही है, लेकिन फिर भी जब अपने स्टूडेंट से जब पैसा लेंगे तो वो जो भी टोटल कॉस्ट आएगा उसको वी विल स्प्रेड ओवर 12 मंथ्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल चार्ज फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, राइट? सो यहाँ पे पहला पहला चेंज क्या है, मंथली नहीं बनेगा, जो भी बनेगा एनुअल बनेगा। दूसरा, किलोमीटर ट्रैवल 12 महीने का निकलेगा। याद है क्वेश्चन नंबर 4 कराया था हमने आपको लास्ट क्लास, ट्रक का केस था, उसमें एनुअल बनाने बोला था तो अपने 12 मंथ से मल्टीप्लाई किए थे, बट यहाँ पे किलोमीटर ट्रैवल 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 या 10, जितना महीना भी स्कूल बंद रहेगा वैकेशन माइनस कर देंगे। लेकिन ड्राइवर सैलरी 12 महीने का देना होगा, क्लीनर सैलरी 12 महीना, इंश्योरेंस परमिट फी ये सब 12 महीना, रोड टैक्स डेप्रिसिएशन वगैरह सब 12 महीना, ठीक है? तो मेरा टू एंड थ्री को जोड़ने से मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। किलोमीटर ट्रैवल से पेट्रोल आ गया, फिक्स कॉस्ट 12 महीने का ले लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। नाउ वंस आई हैव गॉट एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, स्टूडेंट से जो हम पैसा लेंगे, स्टूडेंट से जो हम पैसा लेंगे वो कितना दिन का लेंगे, जितना महीना बस सर्विस वो लोग अवेल किया कि पूरा 12 महीने का लेंगे, पूरा 12 महीने का, राइट? वन मोर डिफरेंस, यूजुअली एक ट्रिप में कितना वे होता है, टू वे, बट यहां पे वन ट्रिप इज इक्वल्स टू 4 वे। जैसे मान लो ये एक्स वाई जेड स्कूल है और यहां पे इस स्कूल का बाउंड्री में बस गराज किया हुआ है, बच्चा यहां पे है, बच्चा का घर ये है, बस सुबह खाली जाएगा, इसको उठाया वापस लेके आएगा, छुट्टी जब होगा इसको छोड़ने जाएगा वापस, बस को स्कूल में ही गराज करेगा। 1 2 3 4, दैट इज 4 वे। फर्दर, हर बस 2 ट्रिप मारता है, मतलब 8 वे। सुबह 7 बजे, सुबह 5 बजे स्कूल से निकलेगा, 5 बजे स्कूल से निकला, 6 बजे इसको उठाया, 7 बजे तक इसको स्कूल में ड्रॉप किया, हाँ? अब बस 8 बजे वापस निकलेगा,
वापस निकलेगा सीनियर सेक्शन का स्टूडेंट लोग को लाने के लिए। 8 बजे निकल के 9 बजे पहुंचा, 10 बजे तक उनको स्कूल फेंकेगा। जब तक उनको स्कूल फेंकेगा जूनियर सेक्शन का छुट्टी हो जाएगा, उन लोग को छोड़ के आएगा, जब तक छोड़ के आएगा तब तक सीनियर सेक्शन का छुट्टी हो जाएगा। तो बेसिकली हर बस 2 ट्रिप मारता है, मतलब 8 वेज, 4 × 2। है ना, बोलिए। हर बस 2 ट्रिप मारेगा, मतलब 8 वे। हाँ डबल हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो जाएगा, जितना बस का कैपेसिटी है उसका डबल हो जाएगा, सीधा सा बात है, उसमें सोचने वाला कोई बात ही नहीं है। कॉपी हो गया होगा तो बताइएगा। ऐसा सवाल आएगा ही नहीं एग्जाम में। हो गया क्या, हटा दें? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अच्छे से रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3।
फोन दीजिए देवा। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन को, दो तीन बार रीड करिए। आइए, 25 बसें अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। बस दो शिफ्ट में काम करता है, एक जूनियर एक सीनियर। हम जो बोला ना, पहले जूनियर वाले को उठाता है, एक ही बात है, पहले सीनियर वाले को उठाएगा छोड़ेगा, फिर जूनियर वाले को लाने जाएगा छोड़ेगा, फिर वापस, वो आठ वे हो गया। वो पैराग्राफ पूरा बकवास है, उसमें खाली एक ही चीज काम का था, 25 बस और दो ट्रिप, मतलब दो शिफ्ट, दो शिफ्ट मतलब ये आठ वे हो गया। एक तरफा जाने का 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर गया, इंटू टू वे करेंगे कि इंटू फोर वे करेंगे, और इंटू वन ट्रिप कि इंटू टू ट्रिप्स, जूनियर सीनियर का, राइट। महीना में 24 दिन, क्योंकि संडे भी स्कूल छुट्टी रहता है और दो सैटरडे छुट्टी रहता है। महीना में 24 दिन, वो भी 10 महीना, क्योंकि 2 महीना वैसे ही छुट्टी है। बच्चा लोग से हम पूरा 12 महीना पैसा लेते हैं, लिखा है देखो। ड्राइवर सैलरी 12 महीना देंगे, मतलब ये फिक्स कॉस्ट हो गया, पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे तो पर एनम, और एक ड्राइवर का है वो, तो 25 के लिए 25। क्लीनर का इंटू पर मंथ इंटू 12 होगा, वो इंटू 25 नहीं, वो एक क्लीनर का है, और एक क्लीनर 5 बस का सर्विस देता है, मतलब जो इंटू 12 करके जो आएगा वो 5 बस का हुआ, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 25 करेंगे तो 25 बस का आएगा। लाइसेंस को इंटू 12 मत करना, लेकिन इंटू 25 होगा। इंश्योरेंस वाला इंटू 25 होगा, रिपेयर इंट मेंटेनेंस इंटू 25 होगा, डेप्रिसिएशन भी इंटू 25 होगा। डीजल का तो प्रॉब्लम नहीं है, 18.50 रुपया पर लीटर बाई 10, क्योंकि माइलेज 10 किलोमीटर का है। सीटिंग कैपेसिटी 60, तो टोटल स्टूडेंट हो गया 120। नीचे वाला पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ेंगे, अपने को एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट निकालने बोला है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है एक बस का भी करो 25 बस का भी करो, तो अपन क्या करेंगे, एक बस का करेंगे, क्योंकि बार बार इंटू 25 करने से फिगर बड़ा हो जाएगा, फिर लास्ट में जो टोटल आएगा उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म वहीं पे। हाँ या ना, आइए नोट वन, किलोमीटर ट्रेवल्ड मंथली की एनुअल, एनुअल में भी कितना, 12 महीना की 10 महीना, उस 10 महीना में भी 300 दिन की 24 दिन, वेरी गुड। 16 किलोमीटर एक तरफा, एक ट्रिप में 4 वे होता है, जाएगा लेकर आएगा, 2 हो गया छोड़कर आएगा, 4 हो गया, दो शिफ्ट मतलब दो ट्रिप, तो 8 वे हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई करने से 8 वे आ जाता है, 2 ट्रिप्स मतलब 8 वे, महीना में 10 महीना, और एक बस का ही कर रहा हूं मैं, फिर इसको इंटू 25 कर दूंगा बाद में। बात मत करिए प्लीज, डोंट टॉक, यू आर नॉट सपोज टू टॉक। हाँ,
30720 किलोमीटर। यहां पे टाइम निकालने का दरकार नहीं है, 12 महीना है, एनुअल बोला है तो 12 महीना, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 सीनियर का, 60 जूनियर का, मिला के हो गया 120 स्टूडेंट्स। जो भी खर्चा आएगा वो 120 बच्चों से लिया जाएगा। जो भी खर्चा आएगा वो 120 बच्चों से लिया जाएगा पूरा साल, थोड़ा थोड़ा करके, राइट, मंथली बेसिस पे। अब अपने को बनाना है क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ वन बस, उसको लास्ट में इनटू दिखा देंगे, राइट। तो आइए कैसे करेंगे, यहां तो जगह नहीं, हमको मिटाना होगा, इसको मिटा दें। चलो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर कितना, वन बस एंड 25 बस, करूंगा मैं वन वाला ही, वन बस 25 बस, लिस्ट ऑफ सबसे पहला बताओ बेटा, 5000 महीने का है तो इंटू 12 कर देंगे तो एक ड्राइवर का 60,000 है ना, बोलो ना, इसको करने का दरकार नहीं है, मैं बस खाली दिखा रहा हूं एक ठो करके, इसको इंटू 25 करेंगे क्या, कितना आएगा, 15 लाख आएगा। मैं नहीं करके दिखाऊंगा ये वाला, ठीक है, तुम लोग घर पे करोगे ये, ध्यान से देखना। क्लीनर सैलरी 3000 महीना इंटू 12, क्लीनर सैलरी है 3000 महीना इंटू 12, हाँ या ना। लेकिन दोस्तों ये एक बस का है कि पांच बस का है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो पर बस का आएगा 7200। इसका करने का मैं नहीं बताऊंगा, क्या करना है इसमें, इंटू 25, क्योंकि पर बस आ गया ना, अगर ये 3000 इंटू 12 लेते हैं तो डिवाइड बाय 5 इंटू 25 करना पड़ता, लेकिन मैं डिवाइड बाय 5 करके पर बस का निकाल चुका हूं, तो फिर इंटू 25 करूंगा तो 25 बस का आ जाएगा खर्चा, जो भी अपने को मतलब नहीं है। अभी लाइसेंस पर बस 2300, इंश्योरेंस 15600, ये सब ऑलरेडी पर एनम है, रिपेयर्स 16400, डेप्रिसिएशन 16,50,000 माइनस 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 16 इयर्स, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 93750। डीजल कॉस्ट
₹18.5 लीटर, और 1 लीटर में 10 किलोमीटर जितनी गाड़ी हिलती है, ठीक है ना, और टोटल किलोमीटर है 30,720। हाँ बेटा, 5, 6, 8 पक्का? मैं सब पर बस का ही कर रहा हूं, खाली क्लीनर वाला 5 बस का था तो उसको डिवाइड बाय 5 करके पर बस निकाल लिया। बाकी लाइसेंस पर एनम पर बस, इंश्योरेंस पर एनम पर बस, रिपेयर भी पर एनम पर बस, डेप्रिसिएशन भी पर बस का निकाला हूं, क्योंकि परचेज प्राइस 1 बस का है। किलोमीटर ट्रैवल जो था वो 1 बस का था, तो पेट्रोल कॉस्ट भी 1 बस का आया। बताइए, और कोई खर्चा नहीं है? टू फाइव टू, और इन सबको अब इंटू 25 कर देंगे, तो इसका इसको टोटल को इंटू 25 करके फिगर बताओ। हाँ, 6302050। हालांकि अपने को इस वाले फिगर से मतलब नहीं है, अपने को तो 1 बस का मिल गया, काफी है। हाँ नहीं, दोनों निकालने बोला है, 1 बस का भी बोला है, 25 बस का भी बोला है। क्वेश्चन पढ़ो। एक का निकाल लेंगे, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हो जाएगा ना। इज इट डन? किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी बोल लो। प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ये मेरा एनुअल कॉस्ट आ गया। क्या आ गया? 1 बस को चलाने का करीबन 2.5 लाख का खर्चा है। ये 2.5 लाख का खर्चा हम कितने बच्चों से भरपाई करेंगे? 60 जूनियर, 60 सीनियर, 120 बच्चों से एक ही बार में लेंगे कि 12 महीना में लेंगे? तो अब देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाऊं मैं? ऑल ओके? हाँ आइए। एवरेज, अभी आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर एनम, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 25082 डिवाइडेड बाय 120। कितना आया? 252082 डिवाइडेड बाई 120। हाँ, 2, हमको दो तो कैलकुलेटर पर। गिव इट टू मी, बिकॉज हम लोग का कैलकुलेटर कहाँ गया? कौन सा स्टूडेंट झाड़ा है बोल दो। अब ये जो पैसा, ये एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट आया, ये पैसा हम बच्चा लोग से एक ही बार में लेंगे कि पर मंथ में लेंगे? सो एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, तो पर एनम वाला को डिवाइड बाय 12 कर देंगे, ₹175.06 ये पर स्टूडेंट पर एनम, ये पर स्टूडेंट
पर मंथ। बच्चा एग्जाम हॉल से निकल गया, रात तो फाड़ दिया भाई, 10 में 2 मिलेगा, पहले जो किया उसका 2 नंबर। बच्चा 120 है लेकिन सबसे समान भाड़ा नहीं लिया जा रहा है, भाड़ा में डिफरेंशिएशन है। पढ़ो, सबसे अलादा अलादा भाड़ा ले रहे, अलगा अलगा भाड़ा। बच्चा है 120 मानते हैं, पंद्रह प्रतिशत ऑफ 120 दैट इज 18 बच्चा लोग, क्वार्टर फीस ले रहे हैं। क्वार्टर फीस मतलब 25% ऑफ 25% ऑफ फुल फीस ले रहे इन लोगों से मैं। तीस प्रतिशत ऑफ 120, 36 बच्चों से 50% ऑफ फुल फीस ले रहा हूं मैं। बाकी 55% 66 स्टूडेंट से मैं फुल फीस ले रहा हूं। सवाल बोला है देखो, 25% ऑफ फुल फी में 18 बच्चों से, मतलब 15%। देखो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग दिस फैसिलिटी, क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा दूर, इन लोगों का पिकअप एंड ड्रॉप नहीं है, स्कूल के बगल में ही है। तो इन लोगों से अगर तुम 5,000 रुपये महीना मांगोगे तो ये लोग बोलेगा आई ड्रॉप माई किड विथ माई ओन कार। इंग्लिश हो गया, मैं अपने बच्चों को खुद ही अपनी गाड़ी में छोड़ के आ जाऊंगा, आपकी फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है मुझे। 8 किलोमीटर वालों से आधा ले रहे हैं, मतलब प्रोपोर्शनल ले रहे हैं इन शॉर्ट। तो सर यहां पे तो फिर कैसे होगा काम? देखो ध्यान से, ये वाला चीज अभी तक सवाल में बना हुआ था, ये हमने नहीं बनाया, मैं बस खाली उसको एक रूप दिया हूं। रूप क्या दिया हूं? रूप। मुद्दा क्या है सवाल का, ध्यान से देखिए। आइए जनता आइए, 18 बच्चों से अगर मैं 25% ऑफ फुल फी ले रहा हूं, इसका मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल फी पेइंग स्टूडेंट कितना हुआ? 4 क्वार्टर को मिलाएंगे तो 1 पूरा बनता है, 2 अद्धा को मिलाएंगे तो 1 पूरा। वैसे ही 4 क्वार्टर 25 25 25 25, तब 1 पूरा बन गया। 25% फीस देने वाले बच्चों, 4 बच्चों को मिलाएंगे तो 1 पूरा फेयर आएगा। इसलिए मैं इक्विवेलेंट, मतलब अगर 4 बच्चा 25% फेयर दे रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि 1 बच्चा पूरा भाड़ा दे रहा है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, नहीं तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक बात बता, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 किलो 200 ग्राम कॉस्ट पर केजी, बता बता बल्लू बता, बोलना। 200 रुपए डिवाइडेड बाय 2 किलो 200 ग्राम, बता कॉस्ट पर किलो कैसे करेगा, बोलना। पहले इस ग्राम को किलो में कन्वर्ट करेगा ना, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 2.2 केजी, तब ना तो कॉस्ट पर किलो बता पाएगा। वैसे ही जो लोग 25% ऑफ फुल फी दे रहा है, उन लोगों को पहले फुल फी में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ बच्चे कम हो जाएंगे, 4 बच्चा मिला के 1 फुल फी बनेगा। तो इसका मतलब
4.5 स्टूडेंट्स। सर आधा बच्चा कैसे होगा बेटा, ये इक्विवेलेंट है, वो सब कॉन्सेप्ट में मत जा। आधा समझ गया। वैसे यहां पर भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल फी पेइंग स्टूडेंट, दो को मिलाने से एक पूरा बनेगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 स्टूडेंट्स, ये तो उतना ही रहेगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ फुल फीस पेइंग स्टूडेंट इक्वल्स टू कितना, 88.50 स्टूडेंट्स, मतलब 88.5 बच्चा लोग फुल फी दे रहा है 120, बट उसको फेयर के बेसिस पे कन्वर्ट किया है। देखो ना, 25 25 25 25 मिला के 100 बना, फिर 25 ऐसे घर में खेलते रहना, तो 4.5 आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है गंवारो। आज इस वैलेंटाइन डे के अवसर में मैं लाल से लिख रहा हूं, तुम लोग जल्दी जल्दी समझो, विकास जी को जाना है। ठीक है, हाँ मतलब ऐसा नहीं होता है मेरा मुन्ना, जो आदमी 24% देगा वो 25% भी देगा, ऐसा अटपटा चीज कहां से आ गया। जितना आएगा उतना लेंगे, डेसिमल में आएगा डेसिमल में लेंगे। तुम 18 को 25% से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा 4.5 स्टूडेंट पेइंग फुल फी। 36 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो है 120 बट इक्विवेलेंटली 88 बच्चा है, कितना, 88.5। मिटा दे, हाँ बोलिए, सबका हुआ ना। चलो बेटा आइए, एवरेज कॉस्ट पर फुल फी पेइंग स्टूडेंट पर एनम, एवरेज कॉस्ट कौन से वाले बच्चे का आ रहा है, फुल फी वाले का, पर मंथ की पर एनम, 252082 डिवाइडेड बाय 88.50 कितना आ रहा है, 28। तो ये क्या आया बताओ, ये क्या आ रहा है, पर फुल फी पेइंग स्टूडेंट पर एनम, मतलब जो लोग पूरा फुल फी देगा और पूरा साल देगा उन लोग का एवरेज कॉस्ट ये है। एवरेज कॉस्ट पर फुल फी पेइंग स्टूडेंट पर मंथ, कितना आ रहा है, 237.36 एवरेज कॉस्ट पर 50% ऑफ फुल फी पेइंग स्टूडेंट पर मंथ, इसका हाफ कर लेना, ये जो आया ना,
डबल वन 8 पॉइंट एवरेज कॉस्ट पर 25% ऑफ फुल फी पेइंग स्टूडेंट पर मंथ रुको एक सेकेंड रुको कितना है 237 पॉइंट हाँ 36 ये आया एक ठो ये वाला 118 पॉइंट 68 ये दूसरा आया 237.36 बाई 4 फुल को डिवाइड बाई 4 करेंगे 59 पॉइंट समझ में आया ना पहले सबको फुल फी में कन्वर्ट कर लो ठीक है उसको डिवाइड कर दो तो पर स्टूडेंट पर एनम आ जाएगा फिर पर मंथ निकाल लिया फिर आधे वाले को आधा कर दिया क्वार्टर वाले को क्वार्टर में ले आया इज दैट फाइन एवरीवन बताइए जनता जनता मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब चाहिए मुझे जनता क्या हो गया Is that fine, everyone? हाँ Yes or no? सर बहुत अच्छा हो अगर ऐसा ही एक सवाल हमें करने को मिले नंबर 11 हूबहू सेम है एकदम होमवर्क नहीं इट्स अ क्लास वर्क इट्स अ क्लास वर्क आप भी करिए मैं लौटूंगा कुछ मिनट बाद जल्दी डू इट फास्ट अगले क्लास से यहां यस यू कीप इन माइंड जल्दी करिए